आपको हम बता दें एमपी बोर्ड की दसवीं के नतीजों में इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बार फेस्ट ऑफ हाई फाइव की जगह बेस्ट ऑफ फोर को रिजल्ट का आधार बनाया जा सकता है। जी हाँ, तीन साल पहले मध्य प्रदेश में बेस्ट ऑफ फाइव को रिजल्ट का आधार बनाया गया था। बेस्ट ऑफ फाइव में प्रावधान था कि अगर कोई स्टूडेंट पांच विषयों में पास होता है और किसी एक विषय में फेल हो जाता है तो उसे पांच विषयों के अच्छे नंबरों के आधार पर पास मान लिया जाता था। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से दसवीं की पूरी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, हिंदी और उर्दू के पेपर होना बाकी थे। ऐसे में इस बार रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ फोर को आधार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस बार करीब 11 लाख छात्र दसवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए थे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाद का आधार बनाया जा सकता है। जी हाँ, तीन साल पहले मध्य प्रदेश में बेस्ट ऑफ फाइव को रिजल्ट का आधार बनाया गया था। बेस्ट ऑफ फाइव में प्रावधान था कि अगर कोई स्टूडेंट पांच विषयों में पास होता है और किसी एक विषय में फेल हो जाता है तो उसे पांच विषयों के अच्छे नंबरों के आधार पर पास मान लिया जाता था। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से दसवीं की पूरी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, हिंदी और उर्दू के पेपर होना बाकी थे। ऐसे में इस बार रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ फोर को आधार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस बार करीब 11 लाख छात्र दसवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए थे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाद भी नजर आते हैं, क्या जानकारी? एमपी बोर्ड बेस्ट ऑफ फाइव योजना जो पिछले दो शैक्षणिक सत्र से लागू की थी बदलाव करने जा रहा है और बेस्ट ऑफ फोर के आधार पर रिजल्ट तैयार हो रहा है, जिसमें यदि चार विषय में अच्छे अंक है तो उस छात्र को चार विषय के आधार पर उसको अंत की जाएगा। ये योजना बदलाव किया है कि इस वर्ष लॉकडाउन के कारण पेपर नहीं हो पाया, उसमें जनरल प्रमोशन छात्रों को दिया गया और यही कारण था कि अब बेस्ट ऑफ फाइव की जगह बेस्ट ऑफ फोर लागू करने की तैयारी एमपी बोर्ड की है। दसवीं के रिजल्ट में यह बदलाव देखा जा सकता है।